हेलो दोस्तों नमस्कार। देखो ये MI का सेट है, इसे हम लाइन दे रहे हैं और देने के बाद में इसे देखो इसमें रिमोट से स्टैंड वाइज में कर दिया गया है। और इसमें देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें बैक लाइट भी इसकी जल रही हैं। और दोस्तों ये हमने खोल के भी रख लिया है और इसे अभी देखेंगे। देखो इसका ये मदरबोर्ड है, दोस्तों देखो ये इसका मदरबोर्ड है, एंड्रॉइड है ये। और देखो इसकी बैक लाइट भी यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से आगे से भी दिखाई दे रही थी और पीछे से भी, देखो यहाँ से दिखाई दे रही है कि ये चालू हुआ, सेट हो गया है। मगर ये पिक्चर नहीं है इसके अंदर, तो इसमें पहले हम सप्लाई चेक करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, और वीडियो पूरी देखना जब ही पता लग पाएगा आपको। अब मैं इस देखो यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ है, इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे देखो यहाँ हमारे 12 वोल्ट भी मिल रहे हैं। और 12 वोल्ट के बाद देखो यहाँ एक फ्यूज है, इसके इधर वोल्टेज नहीं है। अब और इस फ्यूज का उड़ने का मतलब क्या है, फ्यूज क्यों उड़ा है ये देखना है हमें, शॉर्टिंग है या ये वोल्टेज ज़्यादा गए हैं, इसलिए हमें इसे देखेंगे। अब पहले इसे ऑफ़ करते हैं, इसकी सप्लाई ऑफ करने के बाद में हम अब इसे चेक करेंगे। देखो पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे कर लेते हैं, बजर मोड पे आ गया है हमारा मल्टीमीटर। अब हमें इसे यहीं से देखेंगे, देखो ये फ्यूज पहले ही ओपन हो चुका है। अब देखते हैं, देखो इसका यहाँ एक जीनर डायोड लगा हुआ है, वो शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट भी बोल रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो यहाँ भी शॉर्टिंग हो रही है, यहाँ भी शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग बोल रही है इसकी, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। देखो यहाँ भी ये शॉर्टिंग बोल रही है। और हमें दिखाई दे रहा है कि ये जहाँ जहाँ जो 12 वोल्ट हमारी सप्लाई जा रही है वहाँ ये सारे वोल्टेज शॉर्ट हैं। अब हमें देखना है इनमें से या कोई PF ख़राब है इसका, या यहाँ ये जीनर डायोड लगा हुआ है वो ख़राब है, या कोई यहाँ IC शॉर्ट हो गई है, ये इसके लिए हमें अभी चेक करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखो हमने इसमें सारे PF चेक किए और चेक करने के बाद में ये भी पता लग गया कि किस जगह पे ये शॉर्टिंग है। मैं आपके सामने देखो दिखाना चाहूँगा, मैंने शॉर्टिंग निकाल दी है इसकी मगर फॉल्ट अभी नहीं निकला है इसका। देखो शॉर्टिंग यहाँ जो PF दिखाई दे रहे थे, कोई शॉर्टिंग नहीं रही है इस जगह में, यहाँ जहाँ जहाँ शॉर्टिंग थी ये कोई शॉर्टिंग नहीं रही है। देखो इधर भी शॉर्टिंग नहीं है, देखो यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। अब शॉर्टिंग देखो कहाँ पर है, जो मैंने इसमें कट मारा इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर कट मार दिया है इस डायोड के बाद में। यहाँ जो 12 वोल्ट हमारी IC में जा रही है वहाँ शॉर्टिंग है। और देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये माइनस में लगाया और देखो यहाँ शॉर्टिंग है और इधर नहीं है। देखो ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ शॉर्टिंग है और यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये IC हमारी ख़राब है, ये हमें दूसरी डालनी होगी जब ही ये सेट ओके हो पाएगा दोस्तों। अब मैं इस IC को निकालने के लिए तुम्हारे सामने अभी दिखाऊंगा किस तरीके से निकालूंगा और किस तरीके से इसे डाल के दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, देखो हमने ये IC इस जगह से निकाल के और ये हमने दूसरी
रिप्लेस कर दी गई है इस जगह पर, और अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा सेट ओके हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अब हमें इसे लाइन देना है, लाइन देने के बाद में अब इसे हम, और दोस्तों देखो हमने इसे सप्लाई दे दी है। अब सप्लाई देने के बाद में हम इसमें वोल्टेज और चेक करेंगे, इसमें वोल्टेज हमारे आ चुके हैं कि नहीं आए हैं। देखो ये 12 वोल्ट हमारे आ चुके हैं दोस्तों, और इस कॉइल पर देखो 3.3 वोल्ट भी आ गए, और देखो इस जगह पे हमारे ABDD वोल्टेज देखो 17 वोल्ट बन रहे हैं। देखो यहाँ BGL है, देखो ये माइनस के 5.43 ये वोल्टेज भी आ चुके हैं, और देखो BGHF देखो ये भी वोल्टेज हमारे बन चुके हैं दोस्तों, देखो 33 वोल्ट ये भी आ चुके हैं। तो हमारा सेट शायद ओके हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे उठा के देखते हैं कि ये सेट हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ है। देखो दोस्तों ये सेट भी हमारा पहले जैसा ही काम करने लग गया है दोस्तों।